ये तस्वीरें जरा गौर से देखिए, बार बार देखिए। करनाल में आईटीआई के छात्रों के लिए हरियाणा रोडवेज बस का सफर आसान नहीं है। बस के दरवाजों पर मधुमक्खियों की तरह लटककर आईटीआई के छात्रों को अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ता है। समस्या सिर्फ कॉलेज आने तक की नहीं है, बल्कि इससे भी बड़ी समस्या उनकी छुट्टी के समय सामने आ जाती है। जब आईटीआई से कोई भी बस निकलती है तो आईटीआई के छात्रों को देखकर बस चालक रेस पर और भी ज्यादा पांव रख देता है और उनके सामने से बस दौड़ा ले जाता है और छात्र सिर्फ मुंह ताकते रह जाते हैं। लेकिन छात्रों की इस समस्या की ओर ना तो शासन का ध्यान है और ना ही प्रशासन का। छात्र कई बार अलग से बस लगाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन सुनने वाला कोई भी नहीं है। दिक्कत है जी, बस नहीं रुक दी और 1% भी आईटीआई के बच्चों देखो और रेस दे ला ड्राइवर। आज से भी होता है कई बार, आज से भी हुआ जी, ऊपर से भी गिर जाए बस की जी। घनी समस्या है जी, बच्चे हैं तो बस नहीं मिलने के कारण झुंड बना के चढ़ जाते हैं जी। तो इससे क्या है कि बच्चों को बस बूस टायर के तराने का खतरा है जी। घना ऊपर से रोकते नहीं है, ऐसे सिग्नल के वहाँ से लेके चल जाते हैं, बहुत जान का खतरा है जी। क्या कहे कि रुकते ही नहीं कोई, कंडक्टर भी ऐसे कहते हैं कि उतर जाओ, खिड़की बंद करा देते हैं बस, और कुछ नहीं। रोडवेज GM कुलदीप सिंह का कहना है कि सभी ड्राइवरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बस को रोककर चलें और सवारियों को व छात्रों को आराम से उतरने दें। यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रुक के चलती हैं, लेकिन कई बार बच्चे मानते नहीं तो ड्राइवर भी अब कई बार लापरवाही कर देते हैं। हालांकि हमने आदेश कर रखे हैं कि वो रोक के चले वहाँ पे, और स्पेशल में जो उनकी ITI स्टाफ की भी डिमांड है, एक दो ड्राइवर दोनों साइड में रिपोर्ट कर दूंगा इसके लिए। बड़ा सवाल ये उठता है कि इस मौत के सफर के दौरान कोई हादसा हो जाए तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। सूर्या समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट। इधर हरियाणा की अंबाला सेंट्रल जेल में कैदी बंदियों का नेटवर्क काफी स्ट्रांग है। सेंट्रल जेल से मोबाइल फोन मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। हाल ही में जेल प्रशासन ने 16 मोबाइल फोन बरामद किए हैं।